ऑकस सुरक्षा समझौता में जापान हो सकता है शामिल। चीन को रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ऑकस सुरक्षा समझौता में नए सदस्यों को शामिल करने पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। वाशिंगटन इसमें जापान को शामिल करने पर जोर दे रहा है। तीनों देशों के रक्षा मंत्री सोमवार को समझौते के स्तंभ 2 पर चर्चा की घोषणा करेंगे। यह सदस्यों को सुयांकत रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक एआई और साइबर टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए प्रतिबंध करता है। वे पहले स्तंभ के विस्तार पर विचार नहीं कर रहे। इस स्तंभ को ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों को डिलीवर करने के लिए डिजाइन किया गया। ऑकस ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। चीन ने आकाश समझौते को खतरनाक बताया है और चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्र में हथियारों की होर बढ़ सकती है। इस बीच चीनी सेना ने रविवार को कहा है कि उसने समुद्री हवाई गश्त की है और दक्षिण चीन सागर को बाधित करने वाली सभी गतिविधियां नियंत्रण में हैं। यह कदम अमेरिका और उसके सहयोगियों के नौसिक अभ्यासों की घोषणा के बाद सामने आया है। दरअसल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के रक्षा प्रमुखों ने शनिवार को घोषणा की थी कि वे संयुक्त समुद्री अभ्यास करेंगे।